ये हमारा घर है, पूरा बैकयार्ड देखो। हमारे गिल भाई हैं, घर के नवे ओनर। उदित भाई ड्राइवर, को ड्राइवर। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो भाई हमने फाइनली अपना जो है घर चेंज कर लिया, हम मूव हो चुके हैं अपने नए घर में। ये हमारा जो है, जो पीछे देख रहे हो आप, ये हमारा नया घर है। तो अब मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा अपने घर में, मतलब मेरा घर कैसा है अंदर से, मेरा कौन सा रूम है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। हमने कैसे मूविंग करी और हमारे घर का पूरा होम टूर। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। हमारे उदित भाई घर के नवे ओनर। हर आयुष भाई सिटी बताइए यार, कितने जने रह रहे हैं? दो से तीन बंदे हैं बस। पांच बंदों का सामान है भैया। पप्पा वाली लोकेशन छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ बहुत बना ली वीडियो यूट्यूब की, अब थोड़ा स्कार प्रो साइड बना के आएंगे। तो भाई हमारा घर पुराने वाला 2881 Danforth Avenue। और ये हमारे उदित भाई ड्राइवर, को ड्राइवर। और ये पीछे हमारा सामान रखा हुआ है सारा का सारा। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे जिस महीने तुम आओगे उस महीने का रेंट, आखिरी जब तुम छोड़ोगे उस महीने का रेंट, और उसके ऊपर से सिक्योरिटी। ये तीन चीज़ यहाँ जाती है, तब जाके तुम घर ले सकते हो, एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी घर जा रहे हैं अपा, तो वहाँ का मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि हमारे पास बैकयार्ड भी है, फ्रंट यार्ड भी है, और बेसमेंट भी है हमारा, बीच वाला जो हॉल होता है मेन ग्राउंड फ्लोर वो भी है, और ऊपर वाला भी फ्लोर हमारा ही है। तो मतलब बढ़िया है ना, कोई हमारा आसपास का इतना पड़ोसी है क्लोज में, तो अपना गाने गुने चलाओ, तेज ऐश करो, मौज लो सारी। और पर्सन रेंट कितना आ जाएगा, तो इतना ही आएगा 500-550, 600 तक का यूटिलिटी मिला के, 600 तक का यूटिलिटी मिला के। तो भाई ये आ गया अपना नवा घर, एकदम साफ सुथरा, बड़ा नवा फर्निश्ड है। बैक लगा लो भाई। तो अब फाइनली हमने अपना घर चेंज कर लिया है, और अब मैं आपको ना अपने घर का पूरा होम टूर दिखाऊंगा, ये घर हमें कितने का पड़ा और ये लोकेशन के आसपास क्या है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। ये हमारा घर है, हवा चल रही है भाई बहुत तेज, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, कल ही स्नोफॉल हुए थे, पर अभी साफ़ हो रखा है, सारा कुछ साफ़ करके चले गए। तो भाई ये हमारा घर है, तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, ठीक है। वो किसी और का, मतलब हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, मतलब हमारे घर के आसपास ना कोई मतलब ऐसे अटैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, एक गेट ये रहा और एक गेट यहाँ से भी है, पर पहले मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं अपना, मतलब ऐसे गर्मियों में, अभी तो मतलब यहाँ कोई बैठता नहीं है, उठता नहीं है। तो यहाँ से जो है हमारे घर की एंट्री है, और जैसे अभी ये थोड़ा ना सामान बिखरा होएगा, ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे अपने मतलब जूते का रैक वगैरह है, तो जूते वगैरह रख सकते हैं अपना यहाँ पे। ये रूम का जो है दरवाज़ा भी यहाँ से लॉक कर रखा है, पीछे एक रूम बना दिया जो कि मेरा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये जो है पहला रूम है, हमारा टीवी रखा हुआ है, और ये जो गद्दे हैं ये हमें इस रूम वालों ने दिया था, ये जो गद्दे अभी फेंक देंगे हम, नवे लेके आएंगे। तो ये हमारा बेड है उसका, और ये जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक ही लाइट लगी हुई है ये, और ऐसे है ये पूरा घर। फिर यहाँ से फिर ये दो एंट्रेंस है, एक ही आ जाता है किचन को। पहले मैं बाथरूम दिखा देता हूँ आपको यार। तो ये वॉशरूम है, ठीक है, ये पहला वॉशरूम, और ये किचन है हमारा जो कि लग रहा है खाना बनाने। वो हमारे गिल भाई हैं, अभी हमारे साथ ऐड हुए हैं इस घर में, और ये भाई खाने की तैयारी चल रही है, खाना बनाएंगे हमारे गिल भाई आज। हमारे गिल भाई टिफ़िन सर्विसेज भी चलाते हैं, मैं इनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाई, जिन्होंने टिफ़िन सर्विस ये देखो, रोटी चेक करो आप भाई की। तो ये भाई हमारे अभी लड़की भी ढूंढ रहे हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। और भाई
ये रोटी बन रही तैयार है, ये फ्रिज है, ये पढ़ लो क्या लिखा है। और ठीक है, ये बैकयार्ड है यहाँ, मतलब गर्मियों में अपना बैठ जो चिल करो है एकदम मस्त अपना। अभी यहाँ पीछे वैसे फ़िलहाल कोई आता नहीं है क्योंकि कोई कुछ फ़ायदा नहीं है पीछे आके, अभी सर्दियों में बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये पूरा बैकयार्ड अपना है, अपना बैडमिंटन वॉलीबॉल जो खेलना है खेल सकते हो भाई, पर अभी पीछे कोई आता नहीं है। वो जो है उसमें क्या कहते हैं, जैसे इसका घास वगैरह बड़ी हो जाए तो काटने कूटने का सामान सुमून रखा हुआ, मतलब एक टाइप से स्टोरेज रूम हो गया। और एक ये भी हमारे पास स्टोरेज रूम, और जैसे यहाँ से नीचे जा रहे हैं पीछे को सारा प्लाट है, ये कम से कम होगा 200 गज का होएगा, अगर इंडिया में अगर किसी को मालूम है तो इतना होता है 200 गज का ये पीछे प्लाट है। और ये थोड़ा खाली एरिया, ये पीछे बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल वगैरह खेलना है जो मैंने आपको आगे एंट्रेंस से दिखाया था। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो है ग्राउंड फ्लोर है हमारा, मतलब मेन फ्लोर। ठीक है, ये हमारा बैकयार्ड है। ठीक है, तो बैकयार्ड से जो है हमारी किचन दिखती है, ये भाई देखो किचन में खाना वगैरह बन रहा है, तो यहाँ से देखो ये बैकयार्ड, और ये ऊपर भी हमारा, ये पूरा घर जो हमारा है हमने अभी ले रखा है, तो यहाँ से ये देखो ये एंट्रेंस होगी। और ये हमारे कमल भाई जान, कमल भाई ये ठीक है। तो भाई ये तो हो गया मेन फ्लोर। ठीक है, वॉशरूम आपको दिखा दिया था, ये जा रहा है स्टेयर्स जा रही है ऊपर फर्स्ट फ्लोर को, और ये जो है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है मतलब बेसमेंट। ठीक है, और ये मेरा कमरा भाई, अभी फ़िलहाल थोड़ा ये सेटअप करना है। ठीक है, ये लगनी, ओह सॉरी कुछ और आ गया कम। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं कमरा। ठीक है, और अभी यहाँ बेड वगैरह लाना है, तो ये ऐसे नहीं लग रहा भाई जैसे आर्मी का बैरक होता है, जैसे जो आर्मी वाले होते हैं। ये मेरे कपड़े टंग रहे काम कूम के। ठीक है, छोटा सा कमरा, मेरे साथ यहाँ अक्षित रहता है शेयरिंग पे, जिनको मालूम है अक्षित के बारे में। तो भाई स्टार्टिंग करता हूँ मैं आपको ऊपर वाले कमरे से। तो ये यहाँ पे स्विच है, ये जैसे लाइट जल गई, और ये वही है जैसे ये मेन हॉल है, ये मेन हॉल में दो हैं ऐसे, तो यहाँ से किचन को जा रहा है, यहाँ से इधर आके आप बेसमेंट में जा सकते हो, मेरा कमरा जो कि मेन हॉल में ही है, और ये वॉशरूम, ये किचन, पीछे बैकयार्ड, और यहाँ से ऊपर चलते हैं। देखो ठीक है, ये आ गया ऊपर वाला फ्लोर, सबसे टॉप फ्लोर, सबसे ये जो है ये हमारे उदित भाई और आयुष भाई का कमरा। ठीक है, ये देखो हो गया, और ये लाइट का भी यही सीन है, ये देखो नीचे से जैसे दो बार मारोगे ना लाइट जल जाएगी। ठीक है, और पंखे में भी लाइट लग रही है, पर मेरे को मालूम नहीं चलाना कैसे इसको, उदित भाई और जानते हैं। यहाँ से जो है फ्रंट व्यू आता है, जहाँ से मैंने आपको एंट्रेंस वगैरह कराई थी, तो ये हमारे भाई की ड्रेस सिक्योरिटी की, ये आयुष भाई का सामान है तो मैं छेड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है एक हमारा पहला रूम है ऊपर, मतलब मास्टर बेडरूम कह सकते हो आप, बेड वगैरह जो सब कुछ है ये साथ में ही आया था, मतलब घर के साथ ही। ये देखो ये जो फर्नीचर वगैरह है ये सब हमें पहले से ही मिला, ऐसा नहीं कि जो हमने अलग से ख़रीदा है। ठीक है, ये सब कुछ पहले से ही, आप इसको बंद कर देंगे हम, ये देखो ऐसे बंद हो गया। और यहाँ पे ना लाइटें भी लगी हुई हैं, ये देख रहे हो, पर ये मेरे को चलानी नहीं आती, तो ये पता नहीं चलती कैसे है, ये आयुष भाई जानते होंगे। ठीक है, यहाँ से ही हमारा बंद हो गया। ठीक है, तो ये तो था हम पहला रूम जो ऊपर वाला फ्लोर है उसका। और अब यहाँ से ये भी सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर आए थे। ठीक है, और ये जो है इनका मतलब एक टाइप का स्टोर रूम हो गया, जूते वगैरह रख लो अपने, मतलब बैग वगैरह अगर जिन्होंने रखना। ठीक है, ठीक है, और अब यहाँ पे तीन डोर हैं, एक फर्स्ट डोर, सेकंड डोर एंड थर्ड। तो ये जो है वॉशरूम, ये तो ओपन है, आपको मैं सीधा दिखा देता हूँ, ये वॉशरूम है, ये तुम्हारा भाई। ठीक है, ये शावर वगैरह, मतलब एक वॉशरूम नीचे दिखाया था मैंने आपको, एक वॉशरूम ये रहा। ठीक है, और वॉशरूम के सामने वाला जो कमरा है ये है हमारे बल्ली भाई का, ये देखो यहाँ पे बल्ली भाई और कमल भाई है, जो कि दोनों नीचे ही, वो हमारा मंदिर। ठीक है, जय माता दी। तो जो बल्ली भाई और कमल भाई नीचे थे वो ये इनका कमरा है। ठीक है, ये इनका स्टडी टेबल, कमल भाई हमारे पढ़ते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाओ मस्त है बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं इन्होंने, HTML वगैरह के, मतलब पढ़ने लिखने वाले लड़के तो हैं। देखो टेबल, ये चेयर वगैरह स्पेशली खरीदी है। ठीक है, और ये इनका कवर्ड,
ये सारा कबर्ड कुबर्ड जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा कुछ जो है घर में ही मिला है, मतलब हमें इन फर्नीचर, मतलब हमें कुछ ऐसा बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और ये जो है एक और कमरा ऊपर, टोटल दो कमरे हो गए, इसको मिला के तीन हो गए, ठीक है। ये देखो लाइटनिंग, तो ये सारी लाइटनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है गिल भाई और राणा भाई जो कि काम पे, और गिल भाई जो कि नीचे थे। और यहाँ से जो है हमारा जो है बैकयार्ड दिखता है पूरा पीछे का, ये हमारा पूरा बैकयार्ड है, देखो पीछे से पूरा एकदम क्लियर व्यू आ रहा है, ठीक है। एक ये स्टोर रूम है हमारे पास और एक वो एंड वाला स्टोर रूम है हमारे पास, ठीक है। पूरा बैकयार्ड है हमारा। तो अभी यहाँ पे अभी कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, इसका फ़ायदा आएगा हमें, इसका मज़ा आएगा हमें, मतलब समर में, ठीक है। एक ये कमरा, इसकी भी लाइटनिंग ऐसी सी है, देखो ये बंद करी, अब देखना लाइटनिंग, देख रहे हो मैजिक, ठीक है। और वॉशरूम का भी सेम यही सीन है, ये देखो एकदम डिस्को लाइट सा बना रखा है। अब मैं आपको ना ये मतलब ये बेस, ये था ऊपर का जो टॉप फ्लोर होता है ये वो था, अब मैं आपको बेसमेंट लेके चलता हूँ, बेसमेंट कैसी है हमारी। और ये जो है, ये जो मैं आपको दरवाज़ा यहाँ से दिखा रहा था, मतलब मैंने आपको एंट्रेंस जो है वहाँ से कराई थी, ठीक है, एंट्रेंस मैंने आपको वहाँ से कराई थी। और एक एंट्रेंस जो मैं यहाँ से दिखा रहा था आपको कि यहाँ से है ये, अब इस वाले एंट्रेंस से चलेंगे। और ये बास्केटबॉल का ऐसे, मतलब यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, अगर गाड़ी पार्क नहीं करनी तो अपना मतलब क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वैसे बास्केटबॉल खेलने तो बास्केटबॉल का वो रखा ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है, तीन गाड़ी है हमारे पे, वो तीन गाड़ी यहाँ पार्क होती है, आयुष भाई की, राणे भाई की और गोमजी भाई की गाड़ी जो आने वाली है, ठीक है। और यहाँ से हम गेट के अंदर एंटर करके, ये जो है ऊपर मेन हॉल जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये मेरा कमरा, ठीक है। यहाँ से स्टेयर जा रहे हैं नीचे को, और ये लाइट, ठीक है। अब ये देखो ये बेसमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ बेसमेंट का कैसी ना। तो लेफ्ट साइड है ये सारा जो है एक कबाड़ कह रहे हो आप, स्टोर रूम टाइप का। यहाँ पे जो है हीटर, मतलब हीटर वगैरह लगे हुए हैं जो कि ऊपर गर्मी वगैरह, मतलब रूम में हीटर वगैरह हीटिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। ये सारा कुछ हीटिंग का प्रोडक्ट है। यहाँ आना वैसे यहाँ कम ही बंदे आते हैं क्योंकि यहाँ कुछ काम इतना होता नहीं, यहाँ बस हमारा काम होता है ये वॉशिंग मशीन का, ये जो है हमारे कपड़े वगैरह, ये है अभी नवा ही लेके आए हैं क्योंकि ये ख़राब था यहाँ पे जो पहले से था, तो ये नवा ले गए, नवा लगाया इन्होंने, ठीक है। कपड़े वगैरह धो लो, इसमें सुखा लो, साथ के साथ हो जाता, मतलब ये एक टाइप का वही हो गया स्टोर रूम कह लो जो बेसमेंट वालों के लिए, ठीक है। और ये दो, ये जो बीच का जो है ये हॉल है, इसकी लाइट मेरे ख्याल से ये है, हाँ ये देखो, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डाइनिंग टेबल टाइप, ये टेबल भी हमें इनके साथ ही मिला है, ठीक है। तो और जो एक ये कमरा है, ये एक यहाँ पे वॉशरूम जो है बनने वाला है, पर अभी जो है वॉशरूम वगैरह यहाँ बना नहीं है, बनेगा इन फ्यूचर कभी बनाना होगा तो। और एक ये कमरा है हमारा, एक मिनट भाई, एक ये कमरा है, ठीक है। सोचो भाई और हमारे सो रहे हैं अभी। और एक ये जो कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये कमरा जो दो भाई हमारे सो रहे, ठीक है। ये इन्होंने लाइटनिंग वगैरह करी हुई है, और ये मिरर, तो ये है बेसमेंट। और बेसमेंट में ये ऐसा कवर्ड भी है, आप अपना स्टोर कर सकते हो सामान वगैरह, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये जो थे तीन फ्लोर थे जो मैंने आपको दिखाए अभी साथ में, ठीक है। एक जूते वगैरह रखने का रैक और सारा कुछ। अब मैं आपको ऐसे यहाँ से पीछे भी लेके चलता हूँ, पीछे वाली साइड एक बार, ये पता नहीं खुलता कैसे है, ये पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसे सिखाया तो था। हाँ ऐसे करा, पीछे एंटर हो गए, ठीक है। ये जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था, ठीक है, ये देखो हमारा पीछे बैकयार्ड है ये पूरा, ये झूला झूल सकता बच्चा अगर। आज मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, आप मानोगे मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, ये मतलब ऐसे झूलने वगैरह का सामान, ये सारा कुछ हमें पहले ही मिला है, ठीक है। और आज मैं भी यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, मैं भी देख ही लूँ आज है क्या यहाँ पे पीछे, ठीक है। और देखते हैं भाई
मतलब यहाँ कबाड़ ही है एक हिसाब से ना, मतलब ऐसे जो बेड वगैरह टूटा, देखो घास काटने वाली मशीन जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है, और ये हमारा जो है घर पीछे से कैसा दिखता है, ठीक है भाई। और ये देखो पीछे बर्फ वगैरह गिरी हुई है, हमारे यहाँ तो साफ होगी। वो देखो दिख रहा है वो पीछे वाले घरों के बर्फ वगैरह गिरे हुए हैं, वो देखो जो वाइट वाइट दिख रहा है ना वो बर्फ ही है, ठीक है वो देखो। और एक तो ये एक ये जगह है, आई डोंट नो इसमें क्या है, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे अपना बैठने के लिए बना रखा है हमने, ठीक है। आग उग लगा के ही बैठ जाओ, और वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता पीछे से, पर पहले मैं गेट बंद करना पड़ेगा, तो कोई आ गया तो। ठीक है भाई, तो भाई ये था हमारा जो है पूरा घर का एक होम टूर जो मैंने भी आपको दिखाया। अब क्वेश्चन आया कि हम अभी कितने जने यहाँ पे रह रहे हैं और कितने का ये घर है, ठीक है। जो ये घर है भाई, जैसे हम ना मतलब पहले हम डैनफोर्थ एवेन्यू में रह रहे थे, जिनको मालूम है जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो अगर मैं उस लोकेशन की बात करूँ तो भाई वैसी लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तब जाके हमने ये पूरा घर बाय करा, अब हमने इसकी जो है एक साल की लीज करा ली। अगर मैं बात करूं कि इस घर के कंपैरिजन में उस वाला वो वाला घर कि कौन सा घर बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई अगर वो वाला जो घर है वो वाला ज़्यादा बेस्ट है, जो मतलब चार या पांच जने रह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लाइक मतलब आठ लड़के रह रहे हैं मोस्टली, तो हमने इसलिए ये वाला घर बाय करा क्योंकि ज़्यादा लड़के हो रहे हैं तो ज़्यादा जाने एक छोटे से उसमें रह नहीं सकते, तो ज़्यादा खिंचपिच हो रहा था। तो हमने जाके फिर ये घर अभी मूव करा, हमने 1 जनवरी को मैं यहाँ मूव हुआ हूँ, ठीक है। ये स्कारब्रो है बेसिकली लोकेशन, तो यहाँ से जो है मेरा कॉलेज कितनी दूर पड़ता है, अगर मैं बात करूँ मेरा फैंशो कॉलेज टोरंटो कैंपस, तो मेरा जो कैंपस है यहाँ से मतलब मोस्टली 40-50 मिनट लगता है, और मेरे जो उस वाला जो वो वाला घर था उस घर से अप्रॉक्स 30 मिनट्स लग जाते थे। और बात करूं कि यहाँ आसपास कोई प्लाज़ा वगैरह है इस घर के रिगार्डिंग, अगर कोई बात है हम ग्रॉसरी वगैरह कहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई जैसे अब हमने गाड़ी वगैरह परचेज़ कर रखी है तो अब हम थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। तो मतलब अगर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भाई मैं कहूँगा वो वाली लोकेशन बहुत अच्छी है। आप एक बार स्टेबल हो जाओ फिर धीरे धीरे जाके जैसे घर बाय करना है, मतलब घर बाय क्या मतलब घर लेना है, अच्छा घर लेना और अच्छा लेना है, तो एक थोड़ा मतलब पीछे वाली साइड आना पड़ता है, स्कारब्रो वाली साइड। तो अभी तो मैं प्रेफर करूँगा जो उनसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो डैनफोर्थ मेन स्ट्रीट जो लोकेशन है उस साइड रहो, उस साइड ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। यहाँ क्या है, यहाँ देखो पूरा शांत एरिया, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने घर के अंदर है, कोई बाहर एक जना भी नहीं दिख रहा होगा मेरे अलावा। और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं, ठीक है। वो देखो भाई जा रहा है बस काम से, अपने पता नहीं काम पे से आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ये जो है हमारा गद्दा जो है ख़राब हो गया था, मैं बाहर रख दिया, कोई किसी को नीड होगी तो उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर बात करूँ कि अब ये घर कितना है, कि हम पर बंदे पे कितना आता है, तो भाई हमारे पर बंदे के हिसाब से हम पे आता है 600 के अप्रोक्स, ठीक है। और जो है 600 है हमारा रेंट यहाँ पे, ग्रोसरी वगैरह सारा मिला के मैं कह रहा हूँ आपको, मतलब हमारी सारी बेसिक नीड वगैरह मिला के 600 के आसपास पहुँच जाता है। तो भाई एक हिसाब से बढ़िया ही है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे लड़के ज़्यादा और थे, हम सारे अम्बाला से हैं भाई, ठीक है। तो ये था हमारा घर। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पूछना हो आपको कि भाई मैं कहाँ घर लूँ, ये लोकेशन कैसी है, जैसे मेरे को यहाँ पे अब 1 साल होने वाला है, तो भाई अगर आपके कॉलेज के हिसाब से कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन हो फैंशो कॉलेज के हिसाब से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और घर वगैरह के लोकेशन, जैसे भाई मेरे को घर नहीं मिल रहा, मतलब घर के वगैरह कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप मेरे को वहाँ जाके मैसेज फॉलो कर सकते हो। तो भाई अगर आपको हमारा घर अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।